30 मार्च 2019 की साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे आप वापिस जाना है, अब वापिस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बन, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बन, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। योग की भट्टी क्या होती है? उसके लिए मधुबन में जाना पड़ेगा, यहीं पर कर सकते। क्या करेंगे यहाँ पर? जो भी हमारे अंदर कमी है, योग लाएं, बाबा से अपनी कमियां निकालेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, बाबा के भी एनर्जी लेंगे, करेंगे बाबा से काम, बाबा के श्रीमत पर चलेंगे। ये बात तो ठीक है, जो कमी है उसको निकालना है, उसको भस्म करना है। बाबा से वो एनर्जी कैसे मिलेगी? बाबा की जो श्री माता इसी को बाबा की, बाबा के डायरेक्शन पर बैठकर अपनी किसी कमी को चेक करके उसे चेंज कर देना। भट्टी माना चेंज करना, भट्टी का मतलब कुछ और नहीं है, क्योंकि कोई भी आदत, कोई भी संस्कार मेरा ऐसा बना हुआ है जो मुझे या और किसी को दुख दे रहा है, मैं परमात्म डायरेक्शन पर बैठकर उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हल कर दो, मतलब जितनी देर लगे। वो जरूरी नहीं कि मैं बैठ कर करूं, चाहे मैं चलते हुए करूं, टहलते हुए करूं, घूमते हुए करूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लेटे लेटे करूं, परंतु मेरी बुद्धि में ये लक्ष्य हो कि ये आदत मेरी गलत है और मुझे इसे बदलना है, और इसे बदलने के लिए बाबा ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उन डायरेक्शंस पर जो भी उसे बदलने में विचार आ रहे हैं, नहीं नहीं इतना तो करना चाहिए, ऐसे तो होना चाहिए, क्योंकि इतने समय से आदत बनी हुई ना, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, उन सब को बैठकर समझाना कि वो करें मरे, परंतु मुझे नहीं करना। उसे बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम समझा के पक्का करके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर बाहर निकले कि अब वो आके दिखाए, तब है वो भट्टी, तब है वो भट्टी। और उसके बाद भी यदि कोई कच्ची रह गई है बात, फिर दोबारा बैठकर फिर समझाएं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे जो तुम्हें समझ में आया है और उनको समझाते जाओ, जब औरों की समस्याओं का समाधान आप करते जाएंगे तो आपकी भी समस्याओं का हल ऑटोमेटिक होता जाए। इसलिए रुको नहीं, मतलब जो बाबा के डायरेक्शन है उसे जितना शेयर करेंगे, जितना बांटेंगे, वो आपके हेल्प में आएगी। प्रश्न, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। मेरे को लगे कि बाबा तो ठीक कह रहा है, परंतु उसकी बात भी थोड़ी ठीक है,
उसकी बात भी थोड़ी ठीक है। बाबा तो खैर शरीर नहीं है ना, दीदी कह रही है ना, वो ठीक है। बाबा ने निमित्त दीदी को बनाया है ना, दीदी कमजोर है तो हम भी क्या हो गए, कमजोर हो। इसीलिए बाबा कहते किसी की बात को फॉलो करना है तो मुझे करना है या ब्रह्मा बाबा को करना है, किसी दीदी दादी को फॉलो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट में। पहली बात अपने को आत्मा समझेंगे, मेरा प्यारा सिर्फ मेरा बाप है, मैंने सिर्फ बाप का कहना मानना है, बस उनको पूरा क्रेडिट मिलेगा। जो जरा भी सोचेगा कि जरा डॉक्टर साहब से तो पूछ लो, वकील से तो पूछ लो, फलाने से तो पूछ लो, पूछ ले। परमात्मा की जो डायरेक्शन है वो पूरी आपकी बुद्धि में काम नहीं करेगी, करंट पूरा नहीं आएगा। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। अब उन्होंने सोचा ऊपर से कोई किरणें आएंगी वो हमें मिलेंगी, अब मैं विजुलाइज करने बैठ जाऊं कि किरणें आएंगी मुझे मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। मुझे अपने आप को एकदम साफ बनाना है, प्योर बनाना है कि मैं आत्मा हूं, और मैंने सिर्फ एक ही कनेक्शन जोड़ना है परमात्मा। ढेर सारे कनेक्शन नहीं, क्योंकि आसपास ढेर सारे कनेक्शन हो जाते हैं तो भी रेडियो ठीक तरह से नहीं चलेगा। ताकत आएगी और विकार में विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है, योग बत्ती कहा जाता है। इसका अभ्यास करना। ओम भगवान वाच। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है, बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, घर की सुनाएंगे, परमधाम की और सत्योग की, राजधानी की सुनाएंगे। बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, परमधाम, शांतिधाम, निर्वाण धाम, मुक्तिधाम, परमधाम। आत्मा क्या है, ज्योति बिंदु। ये भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर पढ़ाते हैं। बाप कहां से आते हैं, परमधाम से आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूं, मैं तो घर से आया हूं। जिस घर से तुम बच्चे भी आए हो यहां पाठ बजाने के लिए, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता, मैं रहता ही घर में, परमधाम में। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए, ये पास में से उठ के आ गए, ऐसे आके समझाते। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने। ड्रामा अनुसार मैं नॉलेज फुल हूं, ड्रामा अनुसार मैं नॉलेज फुल हूं, सब बातों को मैं जानता हूं, ड्रामा प्लान अनुसार। कल कल मैं ये बातें तुमको सुनाता हूं, जब तुम कामचिता पर चढ़ काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, फुल डिस्चार्ज हो जाए, तो फिर उसे पानी को, तेजाब को चेंज करके फिर से रिचार्ज करना। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है।
तब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उन्हों की बैटरी चार्ज होती है, तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं कि सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी, सवेरे उठकर आके आ जाओ मधुबन में बाबा रूम में आके बैठ जाएंगे, खाली बैठने से बैटरी चार्ज नहीं होगी। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं कि सुबह को यहां आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती। ये नहीं कि सवेरे आके हम बैठ जाए तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, बैठने से भी बैटरी चार्ज होगी, परंतु जितना आप बैठकर बाबा के डायरेक्शन का मनन चिंतन करेंगे। बाकी बैटरी तो उठते बैठते चलते काम करते भी, आपकी बुद्धि ने काम करना है करते रहो, एक तो व्यर्थ से बचे रहेंगे और अपने आप को समर्थ बनाते रहेंगे। याद में रहने से, मेरा कहना मानने से बैटरी चार्ज होगी, उठते बैठते चलते फिरते मेरा। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सोना सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गए, अभी तमो प्रधान हो गए। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने लिए भट्टी है, इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं, सोने को भी भट्टी में डालते हैं। ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी। ये भट्टी कौन सी है? आत्मा को पवित्र, और वो भी डायमंड, सोना भी नहीं, डायमंड बनाने वाली भट्टी, हीरा जन्म अनमोल बनाने वाली भट्टी। बाप को याद करने की भट्टी, प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे, फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय आ गया, कयामत का समय आ गया है। सबको घर जाना है, सब रूहों को घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वे ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते, उसे ये नहीं समझते घर है, जबकि समझना चाहिए वो हमारा घर है, वो हमारा बाप नहीं है। बाप तो हमारे जैसा परम आत्मा, एक ज्योति बिंदु। तुम इस बैद ड्रामा के एक्टर हो, ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब इसलिए पतित है, तो इसलिए पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते, नहीं तो वो आत्मा परमधाम में जा नहीं सकते। बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे समझ गए हैं, तब उनको माता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, गुरु। मनुष्य तो कृष्ण को टीचर समझते हैं, मनुष्य तो कृष्ण को ही टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो कृष्ण तो खुद पढ़ता था, सतयुग में कृष्ण कभी किसका टीचर बना ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि पढ़कर फिर टीचर बना,
कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चों ही बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा सूत सारा मूंझा हुआ है, सूत सारा अब तुम जानते हो। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वे तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। परंतु नंबरवार अनुसार सागर कहें या नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूझते हैं, मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है, मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान का सागर, वैसे तुम भी ज्ञान का सागर। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है, मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहां तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भाव। जैसे मैं परम पिता परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो कि हम आत्माएं पढ़ती हैं और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते, इसलिए देही अभिमानी भाव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं, अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो सुख धाम में जाएंगी तो प्रलब्ध चलेगी। वहां सबका ब्रदरली प्रेम रहता है, ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना किसको ना देना ऐसे नहीं, सबको रिगार्ड देना। वो चाहे कुछ भी दे मुझे, परंतु मैंने उसको रिगार्ड देना, वो दे या ऊपर से तो कहो बहुत अच्छा अंदर अंदर चल रहा हो, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, पर तो एक दो को वो रिगार्ड देते नहीं, भाई तो समझते नहीं, ऊपर से कहते रहते हिंदू मुस्लिम भाई भाई। बाहर कुछ है अंदर कुछ है। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। घर में भी जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई ये चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है ना, परमधाम में तो हम आत्मा भाई भाई रहेंगे, ये शरीर तो यही छोड़ना पड़ता है।
घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे, बहन भाई ये चोला यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही आकर देते हैं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, तुम हाँ ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है, आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तख्त ये है ब्रिकुटी के बीच में, इस पर वे अकाल आत्मा बैठी है। कितने समझने की बातें हैं, बच्चे में भी आत्मा आती है तो ब्रिकुटी के बीच में बैठती है, वो छोटे तख्त पर फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगना भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करता है। हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे, हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। ये गर्भ में आत्मा को भोगना भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप में क्या कहते हैं कि हम अब पाप नहीं करेंगे, एक बार भगवान बाहर निकालो हम पाप नहीं करेंगे। आधा कलप पाप आत्मा बनते हैं, आप बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को दे देते हो। दिया है आपने तन मन धन बाबा को, कैसे दे दे, दिया कि नहीं दिया? कहने तो कई बार दे दिया, सभी पब दे दिया, दे दिया, देते नहीं है। अब दे देवे ले लेवे ना तो दे देवे, लेता भी नहीं, कहते हैं फिर भी रखो ये, मैं क्या करूंगा तुम्हारा बीमार तन गंदा मन ना किसी काम में आने वाला धन, इसको रखो अपने पास, समझो कि ये मेरी अमानत है, ताकि इसमें तुम्हारा ममत्व ना जाए, तुम सहज रीति इसको छोड़कर घर जा सको, नहीं तो मेरे के कारण तुम इसे छोड़ोगे नहीं। बाकी बाबा को इन शरीरों का आचार नहीं डालो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, ये भी नॉलेज देते हैं, फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं, इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापिस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम हो जाए। पुरानी दुनिया से ममत्व खत्म और इस पुराने देह से भी ममत्व। देह से जो कुछ भी तुम देखते हो सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, ये तो बाप ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं, इसमें किताब आदि की भी कोई जरूरत। बाप को याद करना बस, और याद करने का मतलब कहना मानना, जो कह रहे हैं वही करना। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं, ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं, घोर अंधियारे में है। अब तुम जगे हो, मनुष्य तो जगते नहीं। तुमने कितना और कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हें को पढ़ाते। आप कहो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता। मेरी तरह वो भी क्वेश्चन करते, भगवान को और कोई नहीं मिला था पढ़ाने के लिए,
सिर्फ ये ब्रह्मा कुमारी हमें मिली थी पढ़ाने के लिए। आम पब्लिक यूं कह देती है कि तुमने देखा है भगवान, आप बोल दो हाँ देखा है। तो कैसे सेवा करना, कौन से अंतिम आया हुआ मतलब देखा है। कितनी तो मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं, जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबर वार तो है ही, स्कूल में भी नंबर वार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबर वार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ा रेगुलर बड़ी राजाई मिलती है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने, वहां जाकर नौकर चाकर न बने। फिर बनना तो उनको ही है, उनको ही बनना है जो कल पहले बने थे। इस समय तुम पुरुषार्थ करेंगे, वे कल्प कल्पांतर करते रहे। इस समय आप पुरुषार्थ करेंगे, फिर हर कल्प ऐसे ही पुरुषार्थ करेंगे, हर कल्पांतर ऐसे ही पुरुषार्थ करेंगे। इस समय तुम पुरुषार्थ करेंगे, वो कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लाटरी कहा जाता है। किसको थोड़ा किसको बड़ी लाटरी होती है। राजाई की भी लाटरी है, आत्माएं आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लाटरी मिलती है, जैसा कर्म करती है ऐसी लाटरी मिलती है, अब तो ना मिले उसको। राजाई की भी लाटरी, आत्मा जैसा कर्म करती है वैसी लाटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई सौकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लाटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। इस समय तुम बच्चों को सारी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद का फल मिलता है। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा, बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। बल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो, बाप का परिचय। आगे चल वो देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा, खुद ही देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है, विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो, बस हमको सिर्फ कहना है कि तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर, किसने कहा? आत्मा ने कहा। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मैं तुम्हारा गॉड फादर बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं, आत्माएं सब इमॉर्टल है, मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं उठता, विनाश भी नहीं होता तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं उठता। हर एक आत्मा को अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब इमोर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगी। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद तो करो, याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। घर चले जाएंगे,
आखरीन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे, आखरीन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे। वापस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धि में, सबकी बुद्धियों में ठक्का करेगा। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठक्का करेगा, तब तो गायन है। ओ प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही तो जरूर। किसको मत देंगे ना, या अपने पास ही रखेंगे? परमात्मा ज्ञान का सागर है तो अपने पास रखेगा क्या, क्या करेगा रख के? फिर कौन कहेगा ज्ञान का सागर है? किसको पता ही नहीं कि उसके पास ज्ञान है, तो कैसे कहेंगे कि वो ज्ञान का? उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो तो वो जरूर बताएगा ना। फिर वे कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम जानो, इसका मतलब हम नहीं जानते, हमें बताओ। ये भी कोई बात है। बाप कहते हैं इसी श्री मत से तुम्हारी गति हो जाती है, जो मैं आकर रास्ता दिखा रहा हूं इसी से तुम्हारी क्या हो जाती है, गति हो जाती। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं, बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहे। अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम क्या बोलेंगे? हम भी जानते हैं, हमें भी बाबा ने बता दिया। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए इसमें टाइम तो लग, सारा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए टाइम तो लगता है। संपूर्ण तो कब का अभी कोई बना नहीं है, अभी कोई संपूर्ण अपने आप में बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए कैसे पता लगेगा? वो यहां रह गए, वो यहां रह गए। सर्टिफिकेट तैयार रखा हुआ है पहले से बना के, संपूर्ण बन गया वो इस दुनिया में रह गए। जाना तो है, आप सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, ब्रह्मा बाबा को भी पहले जोर से वैराग्य आया, देखा मैं डबल से ताज बनता हूं, ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखा, क्योंकि एकदम पता लगा कि तू विष्णु बन जाएगा, श्रवण तन मन धन मुझे दे 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 दिया। अब ये थोड़ा पता था कि इतना टाइम लग जाएगा, इतने सारे पेपर बेलने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ा, कितने पेपर आए। ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया, विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, समझा अब रजाई मिलती है, बस थोड़े रोज की बात है। जैसे दुकान से सौदा लेने जाते 33 साल लग गए, ऐसा नशा चढ़ गया था। अभी तो समझते हैं ये तो ठीक है, राजधानी बनेगी, ये बहुतों की राज को, बहुतों को रजाई मिली है, केवल मुझे नहीं मिली, औरों को भी रजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे, ये ज्ञान अब मिला है, वरना पहले तो खुश हो गया, बस मैं विष्णु बन गया, ये नहीं पता था मुझे क्या क्या पेपर पापड़ बेलने पड़ेंगे। पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है, बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथली, क्योंकि दोनों ही है। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ साकाश देंगे,
देते हैं योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से अनेक उनके विकर्म भस्म हो जाएं, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं, जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूं तो ताकत भरती रहे। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकते। बुद्धि कहां ना कहां भटकती रहेगी, उनको मिलेगी मिलेगा फिर क्या? कहते हैं मिठड़ा घोर तो घुराए, चीनी को घोलोगे तो मीठा होगा, डाल के रख देंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, वो भी पूरा घुले घुले ना घुले, घुलाएंगे मीठा चीनी घुलाएंगे तो घुलेगा, मिठड़ा घुर तो घुराए। तुम प्यार करेंगे तो प्यार होगा और फिर प्यार मिलेगा। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आते हैं, उनका फर्ज है सर्विस करना, और बच्चे सर्विस स्वीकार करते या नहीं ये तो उनकी आत्मा है। किस ख्यालात में बैठे हैं, ये सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूं, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी साकाश देता हूं, बहुत प्यार से एक एक को साकाश देता हूं। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने, बाप कहते हैं मैं एक एक आत्मा को साकाश देता हूं, सामने बैठ लाइट देता हूं, तुम भी ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे, उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा ये तो नंबर वार स्टूडेंट पर मदार। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, तरावटी याद आ रहा है, तरावटी शब्द याद आ रहा है, तला हुआ अच्छा घी वाला पौष्टिक, तरावटी को हम पौष्टिक कहेंगे, ज्यादा ताकत वाला माल तुम्हें मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना ज्यादा, मतलब हाँ भारी, मतलब उसको फिर पचाने की क्षमता भी चाहिए, यदि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हजम भी करे ना। बड़ी लाटरी है, जन्म जन्मांतर कल्पांतर की लाटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं, बाप भी ब्रिकुटी के बीच में बैठा है बाजू में, मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ बाजू में से बाबा भी। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, उनको देखते हैं, इनको ब्रह्मा बाबा को देखते भी हम किसको देखते हैं, फिर बाकी आप सोच लो कि हम आत्मा ने आत्मा को देखना, कैसे देखना इसकी विधि बता दी। सिर्फ अपने को आत्मा समझे और तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, कहना मेरा मानना है। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं, इसको देखते हुए भी किसको देखना है, शिव बाबा को देखना, आत्मा की ही बात है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। धारणा के लिए मुख्य बातें हैं, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी,
बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है, बाप की करंट को कैच करना है। आपस में भाई भाई की सच्ची सच्चे लव से रहना है, सबको रिगार्ड देना है, सबको रिगार्ड देना है कि सब मेरे बाप के बच्चे मेरे। आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है, सबको रिगार्ड देना है, आत्मा भाई भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए वृक्ति में ही देखकर बात आत्मा से ही बात। अच्छा मीठे मीठे वृक्ष में देखकर भावना करना, ठीक है, वरदान पे आ गए। बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। बाप के भी संस्कार है, परमात्मा के भी संस्कार है, हम आत्मा के भी संस्कार, हम आत्मा के संस्कारों में यहां आने पर परिवर्तन आया और फिर अब हमें परमात्मा के संस्कारों के अनुसार अपने संस्कार भी। बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। अभी तक कई बच्चों को फीलिंग के किनारे किनारा करने के पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार है। बाबा को फीलिंग नहीं आती और हम बच्चों को क्या हो जाती है, फीलिंग। ये हमारी आदत बनी हुई है, किसने कुछ कहा फीलिंग, किसने कुछ कहा फीलिंग, या फिर दूसरा क्या करते हैं, अच्छा मैंने इसके साथ बातें नहीं, किनारा कर लेते, ये करते रहते हैं। पर चिंतन करने की, दूसरे के बारे में बुद्धि में सोचते रहने, सुनने की, दूसरे आके सुनावे, ये भिन्न भिन्न संस्कार बन गए। जिन्हें कह देते हैं कि क्या करें, फिर जान छुड़ान क्या करें, मेरी आदत बनी हुई है ना, अब आदत तो मरने से जाएगी, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता, ये रावण की चीज है मेरी नहीं है, ये संस्कार मेरे नहीं है, ये किसके हैं, रावण के दिए हुए हैं, उसको दे दो, मेरी नहीं है। लेकिन जो बाप के संस्कार है वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार, वे संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतन धारी सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना था। स्लोगन है, जिनमें समर्थी है, जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने के अधिकारी, वही सर्वशक्तियों के खजाने के अधिकारी। ओम।